Okay, so we know the basic principles of MRI scans. We know what a T1 image is. We know how a T1 is formed. We know how a T2 is formed. We know what is fat suppression. And we also need, we know what is a T echo and T, what was the other one? Fat suppression and ester image. Yes, so excuse me, sir. Remember when we were talking about the beginning? So there are two types. One is when the flips and comes back again, and what is it? This difference. Yeah. So what were they called? TR and TE, sir. Very good. So TE is T echo, and TR is the difference between the two different thing setting, and it's the proton. Excuse me, sir. Yes. Sir, sorry. Actually, कि हमारे पास नेट का प्रॉब्लम था, तो हमने लेट ज्वाइन किया. हमें ये इमेजेस का सर पता नहीं चलता सही. हम लेट ज्वाइन किया था सर. कोई नहीं, वो मैं सब वीडियो करूंगा, बाद में देख लीजिएगा उसको. इसको मसला नहीं है. लेकिन उसमें हमारा स्कैन होता है ना, उसमें TE और TR होता है. एक जो उसका फ्लिप होता है, उसका टाइम और उसके बीच का टाइम होता है. ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप इनको बढ़ा दें इस टाइम को, तो T2 इमेज बनता है. अगर आप इसको कम रखें, तो T1 इमेज बनता है. अगर आप उसको T1 के टाइम से थोड़ा सा कम रखें, तो T1 का फैट सप्रेशन हो जाता है. अगर आप उसको T2 के टाइम से थोड़ा सा कम रखें, तो वो T2 का फैट सप्रेशन इमेज बन जाता है. ठीक है. ओके सर, क्लियर. ओके, सो नाउ इन नी में किस कंडीशन में जो है ना हमारा स्कैन होती है, उसमें अगर आपको लिगामेंट की पैथोलॉजी ढूंढनी होती है, व्हिच इज कॉमन, और यू वांट टू सी इफ देयर इज ए मस्कुलर इंजरी, बाकी समटाइम्स ट्यूमर्स की उसमें भी उसको हमारा स्कैन करते हैं. समटाइम्स इफ यू हैव अ नकल्ड फ्रैक्चर दैट यू कांट सी. ओके, सो इंडिकेशन ऑफ नी इन एन एमआरआई स्कैन जो है बड़ी लिमिटेड है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इट्स यूज्ड इन कोलैटरल ACL, PCL injuries, and if you have a chondral fracture or not. Okay. अब जैसे उसमें थे ना coronal sagittal axial, इसी में भी coronal sagittal axial images होती है. और to take an MRI scan of the knee should be in full extension and 5 degrees of internal rotation. This is a standard for to do MRI scans of the knee. Okay. Okay, sir. क्या लगाया हुआ? So. Basically, जो हमारा सिग्नल जो हम देखते हैं कि उसमें मेनिस्का का क्या प्रॉब्लम है, और वेदर और नॉट जो आर्टिकुलर सर्फेस है वो नॉर्मल है कि नहीं है, दैट इज वॉट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. लाइक ओके, सो दैट इज वॉट ए मेनिस्कल टियर शुड बी सीन व्हेन यू लुकिंग फॉर अ मेनिस्कल टियर, कि इसमें कोई एबनॉर्मैलिटी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है. और जो जो उसमें एबनॉर्मैलिटी है मेनिस्कस में, क्या वो सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेस या इन्फीरियर आर्टिकुलर सर्फेस को रीच करती है कि नहीं है. ठीक है, तो जो मेनिस्का की क्लासिफिकेशन होती है टेयर्स की, वो उसमें ये होता है कि टेयर जो है वो बीच में होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, कोलेप्स हो जाता है, या फिर जो ऊपर या नीचे के आर्टिकुलर सरफेस को टच करता है, या कंप्लीटली टच कर जाता है. सो दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ अ मेनिस्कल टेयर इज. या ओके, सो बेसिकली इफ यू लुक एट इट, देयर इज नो टेयर, देयर इज अ स्मॉल टेयर, देयर इज अ लिमिटेड टेयर, एंड देयर इज अ कंप्लीट टेयर. ठीक है. या अब नाउ यू कैन सी इफ यू कैन लुक एट इन द कार्टिलेज. सो ये जो है आप basically इसमें black triangle नजर आता है in what view is this now? This is sagittal view. Very good. So in the sagittal view, when you look at it, you will see white in black. Okay? इसका मतलब कि ये tear है इसमें. If you look at it, this is a small tear, this is a big tear, and this is a complete tear. Can you see that? Yeah. Okay. Yes, so it is very easy. Minuscule tear to diagnose on MRI scan is very easy. You have this particular view. And then you can see whether the tear is half full or complete. You can also see the different types of tears, but this is the basic classification. उसमें white and black जो है ना, कितना dark है, कितना बड़ा है, और किस level पर पहुंच गया. अगर वो दोनों side पर पहुंच गया, तो it's a complete tear. ठीक है. अब उसके बाद patterns जो है ना, एक उसमें vertical आता है, oblique आता है, radial tear होता है, horizontal tear होता है, और complex tear होता है. ठीक है. The reason we need to know is when you're repairing it, what you need to have before you need to do the tear. So in England, we have all the kit on the shelf, so we don't need to worry. But if you don't have the kit in the shelf, so you need to know what type of tear it is, so what kind of kit you will need to prepare it or debride it. Okay. So now if you look at this picture, this is called a radial tear. Do you understand what is mean by a radial? Yes, sir. Through and through tear. Through the complete... complete width of the meniscus. Okay, so this is the C of your meniscus. Yeah. Right? So the radial tear starts
from medial to lateral. Yeah. Okay. So if you look at it, this is the complete, you can see it. This is the radial tear. Can you see this? Yeah. So ye meniscus hai aur uske beech mein ye tear aa gaya hai. Already thoda sa tear hai usme, lekin isse wo radial ho jata hai. And if you look at it, what view is this now? This is coronal, sir. Upar se niche ja rahe hain. Theek hai? Yeah. Upar se niche ja rahe hain na, to ye aapko radial tear nazar aa raha hai. This is a meniscus jiske andar tear hai. Upar se niche ja rahe hain. So now you're looking at the end of femur and above of tibia. Aur usme ye tear nazar aa raha hai. Theek hai? So longitudinal tear, jisko radial tear hona chahiye, jisko radial tear kehte jata hai, that is called a longitudinal tear. Okay, so you can see this here now. Okay, and if you look in the picture, you can see it there. So it is easy. You can diagnose what tear it is and what the type of the tear is. So your black triangle cartilage, usme agar white cheez hai na, to uska matlab hai ya usme edema hai ya usme tear hai. Fir agar dono surface ko touch karta hai, to wo complete tear hai. Agar nahi karta hai, to incomplete tear hai. So far so good, yeah. So these are meniscal tears. Okay. So uske baad bucket handle tear hota hai. Do you know what a bucket handle tear looks like in the MRI scan? It's called a double PCL sign. Do PCL nazar aate hain usme. So if you look at it, ye jo hai na PCL hai. Theek hai? Yeah. Jo posteriorly attached hai. Aur ek aur bhi PCL nazar aa raha hai. With edema, this is the bucket handle tear. It is not attached to the PCL, but wo andar chala gaya uska. Can you see this? Is tarah karke nikal ke wo notch mein chala jata hai. And yes, sir. It is clear. Yeah, now. Okay. Yeah. This is called a bucket handle tear. Yeah. So the diagnosis, if somebody asks you in the exam in the viva, then you will say that it looks like a double PCL. Okay. Yeah. And the notch is filled. So when you look at the notch, it is filled. And it looks like a two PCL in the same person. Oh, okay. Okay. Ab wo tear jo hai agar bucket handle na ho chota sa usme flip ho na, so you can see it here. Okay. But basically wo black dekhe, black mein jo cheez nazar nahi aa rahi hai uska matlab tear hai uske andar. That's all you need to know. Yeah. Okay. Ab meniscal cyst kya cheez hoti hai? Sir, these are actually a degenerative cyst, especially seen on the tears of lateral meniscus. So common is the medial side, not medial. Lateral side, but it is a meniscal cyst. It is a degenerative process, and you can see that it is attached to the meniscus by the black has got a tear in it and is attached to it. So this will be diagnosed as a meniscal tear. Okay. Cartilage ka tear nazar aa raha hai, can you see that? And then you see a cyst next to it, so that is called a meniscal cyst. Kaise nikalte ho meniscal cyst ko? Yeah, we can see it. So how do you take out a meniscal cyst? Aspirate karte hain. Wo to meniscal cyst banta hai isliye na ki usme debris ban rahi hai aapka, jo aapne cartilage ka jo tear hua hai, to jab tak cartilage ke tear ko theek nahi karoge to debris to wo banti rahegi, to aap usko aspirate bhi karenge to wo deform ho jayega. So you do an arthroscopic assessment, you debride the tendon, sorry, not the tendon, the meniscus, okay, arthroscopically, and then you push your camera as far medially or as far laterally you can go with it, and push your shaver into it, and you shave it. So agar aap usko na bhi kaate to meniscus jab apne debride kar diya to debris nahi banega to cyst khud ba khud dissolve ho jayega. लेकिन अगर आपको करना है स्ट्रेट वे उसको, तो उसमें जो शेवर अंदर डाल के ना इसको सारे को डिवाइड कर देते हैं. यू डोंट हैव टू सी इट, वो टेयर के थ्रू अंदर चले जाना, तो यू विल बी इन द सिस्ट. सर टेयर को क्या करेंगे? टेयर को डिवाइड कर देना ना, लेकिन डिवाइड करने से पहले जहां टेयर है उसके अगर थ्रू चले जाओगे ना, तो उसमें फिर आप लैटरल या मीडियल निकल आएंगे और सिस्ट की कैविटी में चले जाओगे. तो उसको आप शेवर से डिवाइड कर दें ब्लाइंडली विदाउट एक्चुअली लुकिंग एट इट, बट यू कैन फील इट फ्रॉम आउटसाइड विद योर फिंगर इफ यू कैन सी द नेल. वो जब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर उसका जो टेयर है उसको या डिब्राइड करें या रिपेयर करें. नॉर्मली ये डिजेनरेटिव टेयर में होता है, तो वो रिपेयरेबल नहीं होता है, फिर उसको डिब्राइड करना पड़ेगा स्टेबल मेनिस्कस के लिए. व्हाट अबाउट पार्शियल मेनिस्केक्टोमी इन दिस केस सर? तो वो डिब्राइड में और पार्शियल मेनिस्केक्टोमी में क्या फर्क है? सेम थिंग एग्जैक्टली. वो लफ्जों का खेल है, बाकी तो चीज एक ही है. Okay, अब एग्जाम में तुम कहोगे मैंने पार्शियल मेनिसेक्टोमी करनी है, तो नेक्स्ट सवाल एग्जाम में क्या होगा? कैसे करोगे? नहीं,
पार्शियल कितने परसेंट, 5%, 10%, 15%, 20%? तो क्या जवाब है उसका? I think it is on in white zone. Is what, sorry? White zone का जो area है? नहीं नहीं नहीं, अब आप उसमें वेस्कुलर और ब्लड सप्लाई लेके आए, डिब्राइडमेंट करते हैं टू स्टेबल मेनिस्कस. जो आपका जो आंख है ना वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई फ्लैप हो, उसमें ऐसा नहीं हो कि पीछे से जो है टोटल कंटिन्यूटी खत्म हो जाए. सो इसलिए एग्जाम में लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जिसको वापस आके आपको ना पकड़ा जाए. तो उसमें आप कहेंगे जो मेनिसेक्टमी होगी वो मैं पार्शियल या फुल या टोटल के उसमें नहीं जाऊंगा, मैं ये कहूंगा उसको कि आई विल डिब्राइड दिस मेनिसेक्टमी स्टेबल मार्जिंस. राइट. अच्छा, आपने जैसे कहा था ना, इट्स मोर कॉमन देन लैटरल नॉट मीडियल साइड, इट्स मोर कॉमन ऑन द लैटरल साइड. Okay, and there is a high incidence ke jab aapka cyst bana hoga, sorry not sorry, go back. Discoid meniscus you are talking about. Yes, we're talking about discoid meniscus. Discoid meniscus are more common on the lateral side, and they have a high chance of tearing purely because of their spongy nature. So a normal meniscus or discoid meniscus compare karna, the discoid meniscus tears zyada hote hain. Theek hai? Aur most common jo hai na iski diagnosis is tarah hoti hai hamare scan mein dekh ke ki ye partial hai, इनकम्प्लीट है या टोटल है जो है ना. और उसमें हमारे स्कैन में देखोगे ना तो एक बहुत फैट किस्म की चीज नजर आएगी उसके अंदर. ठीक है. और ये इंस्टेबिलिटी कॉज करता है, वन ऑफ द पेन कॉजेस की डिस्कॉइड मेनिस्कस की होती है. तो लुक एट इट, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एन इनकम्प्लीट एंड दिस इज द कम्प्लीट वन. उसको अगर आप हमारे स्कैन में देखोगे ना तो उसमें देखें, देयर इज, इट डजंट लुक लाइक अ ट्रायंगल, इट लुक्स लाइक अ कम्प्लीट थिंग. कैन यू सी दैट? Yeah, yes, sir. Okay. So it is not torn because it's all black. But instead of having a, you know, what you see hoti hai na, uska jo 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 rim hoti hai, wo patli hoti hai. Isme rim continued hoti hai. Yeah. If you go back again. Yes, sir. It is clear. You can understand, yeah? Okay. Yeah. Okay. So discoid meniscus aise nazar aata hai aur usko usme AP se dekhoge na, to this looks like a discoid meniscus. Sorry. Okay. Yeah. Okay. These are all MRI pictures. Meniscocapsular separation, जिसका मतलब ये है कि जो उसका जो rim है ना वो उसके से capsules उसका tear हो गया है. तो जो आपका cartilage होगा उसका meniscus का, उसके पीछे edema होगा. तो इसका मतलब ये है कि ये capsule से इसका detachment हो गई है. Yeah. So the thing is, it should look totally black like a triangle. And अब ये देखें, इसमें जो है ना ये discoid नहीं है. तो आप ये देखेंगे दो ट्रायंगल बने हुए, बीच में पतला है. इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें दो ट्रायंगल नहीं बने हुए, पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चर नजर आता है. दैट इज अ क्लासिकल पिक्चर ऑफ अ डिस्कॉइड मेनिस्कस. ये नॉर्मल मेनिस्कस है लेकिन इसके पीछे कैप्सूल को सेपरेट हो गया, तो इसमें एडिमा हो गया. तो देयर इज स्पेस इन दैट. नॉर्मली ये प्रेजेंट इतनी एडिमा और इतनी व्हाइट नहीं होता ये. राइट सर, आई हैव वन क्वेरी. आई हैव या या व्हेन वी सी द मेनिस्कस इन द सजेटल सेक्शन, we are not sure whether it is a lateral meniscus or it is a medial. So can you tell how we can differentiate? So there is normally not one picture. You're going from one end to the other end. So aap usko series of picture dekhenge, usme fibula nazar aati hai. Jab aapko lateral side ko agar fibula nazar nahi aayegi to medial side ko hoga. To ye aapko sirf ek picture nazar aa rahi hai. Theek hai, lekin aapko hamara scan hota hai na, uske sequence hota hai. To usko fibula se pata chalta hai ki kaun si side jo hai wo hai. Fibula will tell you whether it's lateral or medial. Okay. Sir, वो भी तो अगर tibial की side convex है, तो it is lateral. अगर tibial की side concave है, तो it is medial. I don't understand. What do you mean by that? Tibial condyle जो नजर आ रहा होगा meniscus पे, अगर it is convex, then it is lateral. So ये lateral. You mean by this? tibial condyle के margins. Tibial का. TBL का तो फ्लैट है. ये दिस इज कॉनकेव बाय दिस वे यू मीन. या दिस इज कॉनकेव, सो इट इज मीडियल. ओके. एंड इफ इट इज कॉनवेक्स. ओके गुड. सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट. ऑलवेज लुक फॉर द फिब्युला एंड वंस आई फाइंड द फिब्युला आई नो व्हिच इज लैटरल व्हिच इज मीडियल. ओके. बट यस यू आर राइट. हां प्रोबब्ली राइट. या ओके. सो ACL एक्यूट फ्रैक्चर्स. सॉरी एंडी भले ओके
So there is ACL is an acute and chronic tear. So normally जो है ना ACL का structure नजर आता है. अगर वो structure जो है ना face कर जाए या missing होना, तो उसका मतलब है कि ACL का tear है. और जो chronic उसमें होते हैं ना, उसमें intercondylar notch बिल्कुल empty हो जाता है. So you either not see it or it is completely missing. Some more place, Tony. Do you guys mind? Yeah, if you stop your sound, if you're not talking, then we can have a consultation. So, जो chronic tears होते हैं, उसमें कभी-कभी क्या होता है कि ACL जो है वो detach होके कहीं और जाके attach हो जाता है. तो आपको feelings ये होती है कि वो ligament जो है वो intact है. लेकिन अगर आप उसको carefully देखेंगे ना, तो वो straight line में नहीं होती, Blumen's lines के साथ parallel नहीं होती, बल्कि उसकी उसमें angulation आ जाती. That is a sign of scarring. Okay. Okay. So when you look at it. This is normal. You have the Bloom's line होती है ना, उसके parallel जो fibers होते हैं वो ACL होता है. It is attached anteriorly and it is going at the back, yeah. And if it is torn acutely, then you will see this is the ligament which is detached from where it should be. Okay. ठीक है. और उसमें थोड़ा सा edema भी है पीछे की तरफ को, जो कि acute injury को वो करता है. जो chronic होंगे उसमें edema नहीं होगा, जो acute होंगे उसमें edema भी होगा. Okay. So if you look at this, इसमें ACL है लेकिन उसके बीच में fibers discontinue हो रहे हैं. So that's another feature of tear. और यहाँ जो है बिल्कुल ही fibers नजर नहीं आ रहे हैं in a chronic condition. ठीक है, तो normally you will be able to see the ACL. और ये एक picture में नजर आता है, उसकी 15 अगर तस्वीरें लेंगी ना, तो उसमें दो pictures में ACL नजर आएगा, दो में PCL नजर आएगा, और बीच में जो है ना gaps होंगे. तो you cannot diagnose this unless you see all of the pictures. Yeah. Okay, so an acute tear will be detached. Or it'll be torn, or be in a chronic one, it'll be totally invisible altogether. Okay. अब in a chronic tear में जो है वो लगता ऐसे है कि ये वापस अभी attached हो गया है, लेकिन it is too far away from it. और वो Blum's line जो हमने कही थी ना, उसके parallel नहीं है ये. Yes. That's a chronic tear. Yeah. अच्छा, एक sign होती है जिसको कहते हैं empty notch sign. जब आप उसको front view से देखेंगे ना, और किस side को attached होता है ACL? Sir, lateral femoral condyle near the resident ridge. Very good. Resident ridge क्या होती है? देखो इसके समय statement देते हो, examiner को सोते में से उठाते हो तुम फिर. Sir, it is a ridge which is usually present just anterior to the footprint of the femoral site of ACL. Yes. No. So you need to know which is the most posterior part of your femoral condyle. So you need to take a hook to go behind it completely to make sure that you feel that you're going behind it rather than the resident stage. But yeah, so the examiner ko jagane ki koshish nahi karna, unless you know the answer to what you're saying. Okay. Okay. So isko kehte hain empty notch sign. Is notch ke andar jana aapko ACL nazar nahi aa raha hai. Yeah. Kabhi kabhi kya hota hai ki jo cyst hota hai wo usme ban jati hai, wo degenerative process hota hai, isme bhi quite degeneration hoti hai. और वो जो वो होता है ना ACL वो अटैच हो जाता है. रिमेम्बर दैट ACL में डिफरेंट साइजेस नहीं होते, एक ही साइज होता है सारा का सारा. इसका मतलब है कि इसमें कार्डियक जनरेशन हो गई है. ठीक है, और इसमें जब आप MRI स्कैन करेंगे ना, तो उसमें T1 और T2 दोनों में उसका सिग्नल इंक्रीज होगा. क्यों? Due to presence of fat and fluid. Very good. So वो T1 में भी है, उसमें जो है ना वो white नजर आएगा, T2 में भी वो white नजर आएगा. Yeah. So that is a feature of macular degeneration, not a incomplete or a complete tear or something like that. But you know now that your ACL is in trouble. Okay. Okay. अच्छा, कभी-कभी क्या होता है कि ACL तो नजर आता नहीं आता है, लेकिन जो notch के साथ जो है उसकी deepening शुरू हो जाती है. इसका मतलब ये है कि उसमें से missing है. So that is also called in ACL chronic injury. Okay. Right. Laterally से अब उसको देखें ना, उसमें notch empty नजर आती है. इसका मतलब है कि ACL नहीं है. यहाँ पे normally आपको ACL नजर आना चाहिए था, वो नहीं है, और empty notch नजर आ रही थी. इसका मतलब है कि ACL is missing. Okay. Okay. This is just MRI scans. This was for a lecture I did somewhere else. So, जो O'Donoghue's trial होता है, you need to know that there are three things happening: medial meniscal tear, medial clot ligament, and ACL rupture. Yeah. So इसमें ACL हमने इसको Sorry? Unhappy triad करके याद.
अनहैप्पी ट्राइड करके याद किया। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा उनका अनहैप्पी ऑर्डर। अनहैप्पी ट्राइड वही आयरिश कंसल्टेंट था, स्पोर्ट्स इंजरी का सर्जन था उसको। एनीवे सो ये आपको पीसीएल नजर आ रहा है, एसीएल इंटरप्टेड है, उसके बाद मीडियल साइड उसकी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे ना, किधर ये कॉनकेव कॉन्वेक्स कहां है इसमें? जी सर। तो ये फिबुला है, तो ये लैटरल हो गया, ठीक है। और फेमोरल कंडाइल इज बिगर ऑन दैट साइड व्हिच इज और ऑन द मीडियल साइड, किस साइड को बड़ा होता है? मीडियल साइड बड़ा होता है, व्यू आई एम सेल बड़ा होता है और लैटरल साइड बड़ा, दैट्स लैटरल दैट्स मीडियल। सो द मीडियल साइड को ये देखेंगे आपको उसमें एडिमा भी नजर आ रहा है इसके अंदर, उसके बाद एसीएल भी गया हुआ है इसके अंदर और इसके अंदर मेनिस्कस भी गया हुआ है, ठीक है। तो ये अनहैप्पी स्टार्ट हो गया है। Yes. मेनिस्कस तो आसान हो गया, ब्लैक में कोई व्हाइट लाइन होगी तो मेनिस्कस गया हुआ है। Yeah. और अगर कंटिन्यूटी नहीं है और जो जो है ब्लूम्स लाइन के पैरेलल नहीं है ना और या एम्प्टी नॉच है तो एसीएल चला गया है। पीसीएल में बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों पिक्चर्स में नजर आते हैं, इसमें ये टायर है इसलिए वो पीसीएल की पिक्चर में एसीएल नजर आ रहा है। नॉर्मली दोनों एक साथ नजर नहीं आते, कम ही आते हैं। तो सीकॉन्ट फ्रैक्चर में छोटा सा जो है ना रस्टी का फ्रैक्चर हो गया उसका कोलैटरल लिगामेंट के जाने के साथ, सॉरी दिस टाइम ये कोलैटरल लिगामेंट है वो एडिमा हुआ है और दूसरी साइड को फ्रैक्चर हुआ है उसको ब्रूजिंग के साथ। ओके, तो अगर बोन ब्रूज होगा ना तो वो भी नजर आएगा आपको, स्पेशली पोस्टीरियर लैटरल कॉर्नर इंजरीज होंगी ना, ये इसमें बोन ब्रूज नजर आ रहा है आपको। अच्छा ये क्या चीज है, अनकवर्ड मेनिस्कस? Looks like some part of the meniscus is lying just posterior to the normal site. किस कंडीशन में नजर आएगा आपको? मेनिस्कोफिमोरल लिगामेंट। नहीं नहीं अभी देखो, जो जो है ना इम्तिहान में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तो ACL और PCL में नी कैसे नजर आती है? वो कैसे कहते हैं कि बंदा का PCL चला गया और वो कहते हैं यार इसका ACL नहीं काम कर रहा, इसलिए कि वो स्लैक करता है ना, जो टिबिया हो जाती है वो या पीछे चली जाती है या आगे आ जाती है अगर एसएल पीसीएल चला गया होता है। या इस कंडीशन में इसको कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी है लेकिन उसमें लग ऐसे रहा है कि मेनिस्कस पीछे निकल आया है उसका। सो इट्स कॉल्ड राइट राइट, यू विल नॉट सी इन द एग्जाम, इट्स जस्ट दैट फॉर द कंप्लीशन वी हैव जस्ट पुट दिस हियर। या ओके ओके, सो व्हाट इज दिस पिक्चर नाउ? इतनी सारी हमने बातचीत कर ली, व्हाट इज दिस हैपनिंग नाउ? Sagittal view of the one images showing a tear of the ACL with edema. So where is the ACL? What is this? This is all edema. This is PCL. We're talking about T1 images. You cannot have edema, isn't it? This is the big, huge PCL which should be attached here. It's not attached. It's becoming a lumpy, bumpy. Taken tendon, which is not where it should be. Okay. ये picture ज़्यादा बेहतर है. What is this now? Yeah. We can appreciate mid substantial tear of the PCL. Very good. Okay. So what is this now? In the figure one, there is a normal PCL, and number two, there is a rupture of PCL. Yeah. So just to show you the comparison, you can see this and you can see that. Yeah. Big difference. Mm-hmm. Okay. कोलैटरल लिगामेंट की वेरियस ग्रेड्स होती हैं और जब उसका एमआरआई स्कैन करते हैं ना तो उसमें या जो है एडिमा नजर आता है या उसके अंदर जो है ब्रूजिंग नजर आती है या कंप्लीट टोटल डिस्ट्रप्शन नजर आता है उसके अंदर, ठीक है। सो यू नीड टू नो व्हिच साइड इज लैटरल व्हिच साइड इज मीडियल बिफोर यू नो व्हिच कोलैटरल इज गॉन एंड देन द फर्स्ट थिंग इज देयर इज ब्रूजिंग देयर इज एडिमा एंड देन देयर इज अ टियर, यू कैन सी दैट ऑन एमआरआई स्कैन। एंड द सेम इज इफ यू नो यू कैन सी द फिबुला हियर and with the fibula the collateral ligament gone, so therefore the lateral collateral ligament is torn in here. Yeah. Okay. Posterior lateral corner jo hota hai na usme kya hota hai ki posteriorly bruising hoti hai, fibula ke sath bruising hoti hai aur collateral ligaments ki bruising hoti hai, popliteus usme ya nazar aata hai ya nazar nahi aata hai, theek hai? Isme basically jo hai na aapko पोस्टीरियर भी ब्रूजिंग होगी, पॉपुलेटियस या नजर आएगा या नहीं नजर आएगा, उसके साथ एडिमा होता है और साथ में जो कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं ना उसका भी एडिमा होता है। दीज आर ऑल इंडिकेशंस ऑन एन एमआरआई स्कैन टू कंफर्म योर डायग्नोसिस व्हिच यू हैव क्लिनिकली हैड अ सस्पिशन ऑफ दिस मे बी अ पोस्टीरियर लैटरल कॉर्नर। पहले उसको क्लिनिकली डायग्नोस करोगे फिर एमआरआई से कंफर्म करोगे, एमआरआई से डायग्नोस करके क्लिनिकली कंफर्म करना जो होता है ना बेवकूफी होती है, उसमें बहुत सारी चीजें फिर नुकसान पड़ती है।
So you diagnose it clinically, then use your MRI scan to go with you. Okay. So what is this now? Have a picture, look and see what you think. We can appreciate a normal ACL and there is discontinuity of the fibers of PCL. Good. And what else can you see? You have to tell me more. What section is this? This is a sagittal section of the knee. T1, T2 or fat suppression? This is looks like the T1 image. Yes, you can see fat, isn't it? Yeah. Okay, and the tendon, you can see as a muscle which is black and fat, but where there is edema and bruising, you don't see quite a lot of white in it. All you just see is the muscle being discontinued. Yeah, so it is T1 weighted image. Yeah. So again, if you have a chronic injury for the iliotibial band, which is rubbing against where the bursa is losing, then you can see bruising on it. And to know whether this is not collateral iliotibial band, you need to go and look at all the images. This has just shown you one image, but in the real life, you will be seeing all the images and the medial collateral ligament will be clean. And then when you keep going, then you will show you bruising, and that means it's the iliotibial band then, yeah? So all the answers are there, but you can see that there's disruption of the cordyceps tendon. So this is a cordyceps tendon injury. What else is suggesting that it's a cordyceps tendon injury? Patella, baha. Yes. Very good, very good. Position of the patella, it is inferior to the tar position. Okay, that's very good, yeah? So it also shows the patella is down, you have discontinuity of the cordyceps and you've got some bruising around it. This is basically called jumper's knee, but basically patella tendon, jo hai na, uske andar inflammation ho jati hai. So you can see fluid in the patella tendon. Okay, so this is osteoarthritis disease, but you won't need to do an MRI scan. It would X-ray will tell you like that. Yeah. And you can see that there's a problem with the tendon here, and it's been detached from here. So this is a Baker cyst. Basically, we have fluid in the posterior compartment, then that is a Baker cyst. Why do you get a Baker cyst? It is a degenerative process going on in the arthritis. The cyst is communicating with the joint to the posterior thigh or popliteal fossa. Why does it happen? That's the weakest part of your knee. जो डेब्री बनती है ना उसको कहीं ना कहीं बाहर निकलना है तो दैट इट फाइंड्स अ वीक स्पॉट एंड कम्स आउट फ्रॉम दिस एंड देयरफॉर इट कम्स आउट टू दैट पार्ट एंड इट बिकम्स अ बेकर सिस्ट ऐसे नाम डाला हुआ है ओरिजिनली बेकर सिस्ट डिस्क्राइब हुआ था वो कंजेनिटल होता था दिस इज नॉट अ कंजेनिटल बेकर सिस्ट दिस अ डीजेनरेटिव बेकर सिस्ट एज यू नॉर्मली सेड एंड दिस इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द नी उसमें जो है ना उसका जो गैस्ट्रोनिमस और सेमी मेम्ब्रेनस बीच में जो कैप्सूल होता है वो डेफिशिएंट होता है या वीक होता है तो ये फिर पीछे वहां निकल जाता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन सिस्ट बन जाता है उसको हम बेकर सिस्ट भी कहते हैं ओके सो दिस इज एग्जैक्टली दैट थिंग मच बेटर पिक्चर व्हाट व्यू इज दिस T1 फ्लूइड सजाइटल सेक्शन एंड इट्स अ T2 इमेज सर एब्सोल्युटली इट्स फ्लूइड ओके फ्लूइड विल ऑलवेज बी T2 H2O H2O के बीच में 2 आता है ना तो T2 इज ऑलवेज ओके इसमें आपको PCL भी नजर आ रहा है ACL भी नजर आ रहा है Yes, sir. How would you know this detail? Sir, ये fat. Sorry. Fat suppression होता तो ये किस तरह नजर आता? Fat suppression में जो चीज आप इसको कहते हैं कि ये fat है और आपने diagnose किया इसे fat. देखो fat suppression की दो indications होती हैं fat suppression का test करने के लिए. एक तो आपने उसमें gadolinium डाला हुआ है आप pathology ढूंढ रहे हैं. आपको normal section देखेंगे फिर उसका उसको fat suppress करेंगे कि कैसे नजर आता है. A fat suppression T1 or T2 दोनों में बोल होता है. It is depending on what you want to see. But if you're looking at a pathology, you do a fat suppression. जो चीज़ आपको पहले नजर आ रही थी कि वो fat suppression से जाती है कि नहीं जाती है, so that is a differentiation because it will tell you whether it's fat suppression or not. You can see fat in the femur here, isn't it? So it can't be a fat suppression, isn't it? या तो ये edema या इसमें fat है. More common it is fat. Okay. How would you see arthritis on an MRI scan? बर्सा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है और
प्रीचर्स नी इसको कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पादरी जो होते हैं ना वो नी के ऊपर घुटने पे बैठे होते हैं। या वी कॉल इट एज क्लर्जी मैन नी। हाँ वो हमारे यहाँ प्रीचर्स नी कहलाते हैं, तो उसमें भी जो है ना टी टू इमेज होगी और उसके अंदर ब्रूजिंग नजर आएगी। अगर आप इसको फैट सप्रेशन करेंगे तो ब्रूजिंग फिर भी नजर आएगी, क्योंकि उसके अंदर जो है फ्लूइड होता है। ओके याद रखना कि फैट सप्रेशन टी वन और टी टू दोनों में हो सकता है। तो जो टी टू का जो है वो हमने जो टाइम देखा था एको टाइम, और उसका जो दूसरी जो उसके मैं पकड़ेंगे टी तो मुझे याद आता है, मुझे दूसरा नाम भूल जाता है, कौन सा था टी टी एंड टी आर सर रिपीटेशन। तो टी ई एंड टी आर जो होता है ना, अगर आप उसको जो है लो रखते हैं तो वो टी वन इमेज होती है, लेकिन अगर आप उससे भी कम रखते हैं तो वो फैट सप्रेशन ऑफ टी वन होती है। अगर उसको हाई रखते हैं तो वो टी टू होता है, लेकिन जो टी टू की से टी वन से ज्यादा लेकिन टी टू से कम रखेंगे ना तो वो फिर फैट सप्रेशन ऑफ टी टू हो जाती है। ये दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड, इसमें जो है ना थिकनिंग हो गई है साइनोवियम की, बट यू डोंट नीड टू डायग्नोस एन एक्सरे और एमआरआई स्कैन टू टेल यू दैट्स रूमेटॉइड। ओके नॉर्मली इसमें लूज बॉडीज भी नजर आती हैं व्हिच यू कैन सी, बट यू डोंट नीड एन एमआरआई स्कैन टू शो यू अ लूज बॉडी, यू नीड टू डू अ एक्सरे और अ सीटी स्कैन। या आई थिंक दैट वाज अ सिस्ट, यस इट इज, दैट लुक्स लाइक अ सिस्ट इन इट एनीवे। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रोवर्सी, if you look at it you will see edema of the undersurface and some around it there, different grades hoti hai uski, osteochondritis dissecans kya cheez hoti hai, cartilage dead ho jata hai uske andar and bones ke sath, so it becomes wavy fibrillated pictures that you can see in MRI scan, it also show fragmentation of the cartilage. अरे डॉक्टर साहब है वो नी के आर्थ्रोस्कोपी सर्जन है, उनकी गाड़ी का नंबर है प्लाइका वन, वो जो है सारे प्राइवेट में सबके प्लाइके उतारते हैं आर्थ्रोस्कोपिक नीज, जिसको भी कुछ भी मसला उसको थिएटर ले आता है, उसको कुछ नजर नहीं आता है, कहता है इसके हमने प्लाइका रिमूव कर दिया है, उसने अपनी गाड़ी का नंबर रखा है प्लाइका वन। प्लाइका जो होता है ना वो ऐसा लगता है, यू नो व्हाट अ प्लाइका इज एनीवे, एम्ब्रियोनिक फोल्ड्स जो होते हैं जो कि आपके टोटली सॉलिड रिमेन करते हैं, नी जो होती है ना टोटली सॉलिड होती है, तो फिर वो फ्रेगमेंट होती है और उसकी जगह बनती है, फिर उसमें कंपार्टमेंट्स बनते हैं, तो जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू पीछे रह जाता है ना वो प्लाइका बन जाता है। पैथोलॉजिकल प्लाइका की क्या डेफिनेशन है, हाउ डू यू नो दिस इज पैथोलॉजिकल एंड दिस इज नॉर्मल, नो आइडिया, इट्स एन आर्थ्रोस्कोपिक डायग्नोसिस। आपको प्लाइका को जब देखते हैं तो जो जहां वो रब कर रहा है ना उसके जगह पर उसने किसिंग लीजन नहीं बनाया, यानी उसको बोन को उसने रोड नहीं किया है, रफल नहीं किया है, या सब टिश्यू को उसने अपनी जगह से नहीं निकाला ना, तो वो नॉर्मल होता है। अगर उसने निकाला होता है तो फिर वो पैथोलॉजिकल होता है, इसका मतलब है वो रब कर रहा है और पेन कॉज कर रहा है, दैट यू हैव रिलीज, बट इफ इट डजंट शो एनी प्रॉब्लम देन इट्स अ नॉर्मल प्लाइका। ओके सो आई थिंक वी डिड हैव अ लॉट ऑफ सेशंस ऑन एवास्कुलर नेक्रोसिस, यू कैन सी irregularity on this, this is arthritic and this is avascular necrosis because there's a lot of edema all around here, and you can see there's a reactive bone which is actually trying to make more bone. So we saw some MRI scans of the femur this afternoon or this morning, and this is of the knee. So that's one of the few sites where actually you get AVN is the femoral condyles also. Sunk kya hoti hai? The definition is there, spontaneous osteonecrosis. कुछ अर्से में जो है ना पेशेंट का जो नी जो होता है ना वो टोटली ईटन अप लगती है. Okay, yeah. That's a severe form of arthritis, which means that it is very, very spontaneously getting worse, and the reason for that is osteonecrosis. So वो जो सिगरेट पीते हैं ना, आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, सिगरेट पीने से ऑस्टियोनेक्रोसिस होती है, एवियन नहीं होता है, लेकिन जब आदमी को ऑस्टियोनेक्रोसिस होती है ना तो उस ऑस्टियोनेक्रोसिस के बाद उसको एवियन हो जाता है. तो सिगरेट को smoking said directly jo hai na even nahi hota, it is not related to it, however it is a predisposing factor. Okay, that's it. So we had a long chat about MRI scans today. Kuch samajh aayi ki nahi? Yes sir, kafi kuch samajh mein aaya sir. Wo pilo willo nodular synovitis usme jo hai na wo usme bahut sare gol gol nodules nazar aayenge cartilage ke, PVNS kehlata hai, pilo willo PVNS, pilovilio nodular synovitis.
इस तरह व्हाइट होगा लेकिन मल्टीपल उसमें बीड्स होंगी. या वन क्वेश्चन सर, व्हेन वी हैव अ पेशेंट ऑफ नी डिसलोकेशन, वी हैव रिड्यूस्ड एन ईआर एंड लेटर ऑन वी आर प्लानिंग टू गेट एन एमआरआई फॉर लिगामेंटस असेसमेंट. Right. Now, when to do the MRI? What is the ideal time, sir? You need to make sure that the first of all, knee is stable. You also need to make sure that the patient has got no vascular injury. Okay? If the first thing is to do that the knee is stable, reduce, and external fixator, which is called, or PCL brace. When the knee is stable, then after that, we have to do CT angio. जी सी टी एंजियो कब कराना है जब एक एंकल ब्रेकल इंडेक्स जो है ना वो नॉर्मल नहीं है. नहीं सर वास्कुलरिटी हमारी ठीक है बिल्कुल. जब जो बिल्कुल हम तो व्हेनेवर यू रेडी बिकॉज़ इफ यू हैव मल्टी लिगामेंट इंजरीज यू हैव टू रिपेयर इट विद इन 4 वीक्स. एमआरआई स्कैन जब आपकी नी स्टेबल हो गई वास्कुलरिटी कोई नहीं है स्ट्रेट अवे उसका एमआरआई स्कैन कर सकते हैं. अच्छा तो इनिशियल स्टेज में ये नहीं सर ड्यू टू हेमाटोमा एमआरआई की वजह से रिजल्ट्स नहीं आएंगे कुछ हमें है ना कि उसको हम फैट सप्रेस कर सकते हैं. उसके बाद जो है हम उसको डिफरेंट एरियाज में देखेंगे. हीमेटोमा पूरी नी पे तो नहीं होगा ना. कोलैटरल जो है वो अलग नजर आएंगे. पोस्टीरियर कॉर्नर अलग नजर आएगा. ये सारी चीजें डिफरेंट नजर आती है. यू शुड बी एबल टू नो व्हाट यू लुकिंग फॉर. आई डोंट थिंक सर यू हैव टू वेट फॉर हीमेटोमा. हीमेटोमा तो 6-8 हफ्ते तक जो है वो नीरी सोलन होती है उसमें फिर एम्बोलाइसिस होती है फिर उस पर मैक्रोफेजेस आते हैं फिर उसके बाद हीमोसिडिन डिपोजिशन होती है. वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है. आई डोंट थिंक सर यू हैव टू वेट. यू कैन डू इट व्हेन यू आर कंफर्टेबल. राइट. And one more question. Can you tell us regarding the safety of MRI when we have a metallic implant inside? Okay. So, agar aapne surgery ki ya metallic implant dala na, to you should be at least 6 months from that time before you can do an MRI scan. Okay? Pehli baat. 6 months. Ab jo pacemaker hote hai na, usme MRI scan contraindicated hota hai. Lekin ab jo naye pacemakers aaye hain, wo MRI compatible hote hain. You can actually do an MRI scan with the pacemaker. But purane jitni bhi Pakistan mein to mai kehta hu sab purani honge usme to MRI scan nahi kar sakte hain. Theek hai. Okay. Teesri cheez ye hai ki agar uski eye mein fragments hain to nahi kar sakte kyunki big magnet hai wo sara ka sara khul jayega. Aneurysmal jo aapne clip wo lagaya clips brain mein ya aur usme bhi nahi kar sakte. So these are right. Agar knee mein aur shoulder mein content degree MRI scan to how can you diagnose? CT arthrogram. Can do that. What else? This is above and beyond your exam. The last orthocon 32 was there. Koi gaya tha? Yes, sir. I was there, sir. So did you see my presentation on the knee front? हमने आपका अल्ट्रासाउंड वाला सारा देखा था. उसको कहते हैं नीडल आर्थ्रोस्कोपी. लोकल में जो है ना आर्थ्रोस्कोपी होती है नीडल की. और वो नीडल जो होता है वो जो आपका जो 16 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर का कैनल होता है ना उसके साइज का होता है. एंड यू कैन हैव अ लुक इनसाइड एंड सी व्हाट यू वांट. जिसमें हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटर होता है. ओके सर. शोल्डर और नी में डेफिनेटली कर सकते हैं. हिप में करते हैं. एंकल में भी करते हैं. सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज. या जो डिफरेंट पेशेंट के टीयर्स है मेनिस्कल टीयर्स जो है वो हमें मेनिस्कल टीयर्स जो डिफरेंट पेशेंट टीयर्स होते हैं लाइक लॉन्गिट्यूडनल हुआ वर्टिकल हुआ रेडियल हुआ ये हमारे पे हमें पीसीएल का तो आपने बता दिया कि उसका डबल पीसीएल साइन मिल जाता है बकेट टेंडर जी. बाकी हम लोग एमआरआई पे किस तरह डायग्नोस करेंगे? आया ये रेडियल एमआरआई में नजर आते हैं जो उनकी शेप और साइज होती है ना वो नजर आता है. कुछ जो है ना एपी में नजर आते हैं कुछ लैटरल में नजर आते हैं. जो फ्लैप टायर्स होते हैं या बीक टायर्स होते हैं या रेडियल टायर्स होते हैं ना वो डिफरेंट कॉन्फिगरेशन होती है. वो ट्राइंगल के ऊपर से नीचे तक जाते हैं. और जो हॉरिजॉन्टल टायर्स होते हैं वो ट्राइंगल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं. ऊपर नीचे नहीं जाते लैटरल टू मीडियल जाते हैं. दैट टेल्स यू वेदर इट्स अ रेडियल टायर और अ हॉरिजॉन्टल टायर. जो बीक टायर होता है उसमें छोटा सा फ्लैप नजर आता है. आई थिंक वी हैव समवेयर इन हियर. लेट मी सी इफ वी कैन. ये जो है ना रेडियल टायर इसमें नजर आएगा इस तरह. कैन यू सी दैट? यस सर. और जो हॉरिजॉन्टल टायर है ना वो इसमें नजर आएगा
इससे एक टायर यूं जाएगा, एक टायर यूं जाएगा, और ये डिफरेंट तरीके से नजर आएगा आपको, उसको डिफरेंट लेवल्स देखने होंगे उसके अंदर. यू कैन सी दैट इसमें यूं नजर आ रहा है, कैन यू सी दैट? यस सर, दैट इज दैट. वो दूसरे में यूं नजर आएगा या उसमें थोड़ी सी पीस मिसिंग होगी, लेकिन एक पिक्चर तो हम नहीं देखते ना, हम तो पूरा हमारा स्कैन देखते हैं. तो उसमें जो जो उसके सजेटल और कॉरोनल व्यूज को लगा के फिर आप डायग्नोज कर सकते हैं कि इसमें कौन सी जगह टेयर है. और उसमें आपको जो है डिफरेंट जब लेवल्स पे देखेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि ये आपका पेरिफेरल है कि नियर पेरिफेरल है कि सेंट्रल टेयर है. और उसकी रीजन ये है कि ब्लड सप्लाई की वजह से आपको पता चल जाएगा कि इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते. वो रेड जोन, रेड इन वाइट जोन एंड वाइट जोन जो कहलाता है ना, तो वो दैट विल ऑल्सो द एमआरआई स्कैन विल टेल यू वेयर द टेयर इज. जो क्रॉनिक टेयर्स होते हैं वो हमेशा स्टेज पर होते हैं कि उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक्यूट टेयर्स होते हैं दे मोस्टली रिपेयरेबल. One last question, sir. जी. Sir, when we have occult fracture, just like a femoral neck fracture that we can't see on the X-ray, okay, what is the best investigation to confirm the diagnosis? So MRI scan will show you edema. Yeah. Okay, and that edema will be picked up very early. So if you have an occult fracture, you can either do an MRI scan or a CT scan. But best is MRI scan. But CT scan is cheaper, so CT scan will also show it. But for a CT scan, to show it, you need to do a very sensitive CT scan. But the MRI scan will show edema, and therefore in a T2 picture, you will see the fracture. Oh, okay. Happy. Okay, sir. Yeah. Happy, sir. Thank you very much. कल पढ़ना है कि कल छुट्टी? पढ़ना है सर. कल वाइवा करते हैं. Okay, sir. इतने अरसे से जितने भी हमने पढ़ाई की है ना, उसमें से तस्वीरें लेके वाइवा करते हैं. अगर वो करना है तो वो बता दें, वो फिर संडे को करेंगे. कल सुबह किस टाइम पे? व्हेनेवर यू गेट द टाइम सर. टुमारो आई थिंक हॉलीडे हियर. तुम्हारी तो हॉलीडे ना, बाकी सबकी बीवी और बच्चे जो है उनको भगा दौड़ा रहे होंगे. नहीं सर, हमारी भी हॉलीडे है सर. हमारी भी हॉलीडे है. सबकी हॉलीडे है. तो सबकी हॉलीडे है सर. पाकिस्तान टाइम जो है ना, मेरे टाइम से 5 घंटे का फर्क है. तो अगर मैं यहाँ पे सुबह कल 10 बजे की बात करूँ तो पाकिस्तान का आपका 3 बजाते हैं उस वक्त. तो सर कोई मसला नहीं सर, आप जब कंफर्टेबल हो. मेरे को तो इसलिए भी है ना कि मैं सुबह उठ के जो है वो इधर बैठ जाऊंगा तो फिर मेरे घर वाले बोलेंगे तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम यहीं बैठ जाते हो. सर जब आप कंफर्टेबल हो वही टाइम बताइए. 10 o'clock tomorrow, yeah? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. That's right, 10 a.m.